सो टॉपिक हमारा है कैलेंडर। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपसे कोई भी किसी डेट को डे पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम लोग यहां पे समझने वाले। बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। सो पहला एक चीज आप देखिए, अगर वीक हम स्टार्ट करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सो इसके बाद फिर मंडे आएगा, तो यहां पे जो सेवेंथ डे होगा, एवरी सेवेंथ डे इज द सेम डे, एवरी सेवेंथ डे, हर सातवां दिन इज द सेम डे। ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान, आपको लग रहा होगा कि ये तो होता ही है। हाँ जी, ये होता ही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जब कभी दो डेट गिवेन है, ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर एक डेट को डे गिवेन है और इसके बाद ये पूछे कि इस डेट को क्या दिन होगा, कैसे निकालेंगे, या कोई पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन होगा कैसे निकालेंगे, बस यहीं से आएगा। एवर एवरी सेवेंथ डे इज द सेम डे। और इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ऑड डेज का होता है। क्या होता है? ऑड डेज। जितना ऑड डेज होगा, सपोज ऑड डेज, जितना ऑड डेज होगा, अगर ऑड डेज वन है तो ये हमारा मंडे हो जाएगा, अगर ऑड डेज टू है तो ट्यूजडे, मतलब मंडे के लिए वन, ट्यूजडे के लिए टू, वेनेसडे के लिए थ्री, थर्सडे के लिए फोर, फ्राइडे के लिए फाइव एंड सैटरडे के लिए हमारा हो जाएगा ऑड डे सिक्स, फिर सेवेंथ डे हमारा संडे हो जाएगा। ओके, सो यहां से अगर देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डे मंडे से अगर काउंट करें तो संडे हो जाएगा। तो जो ऑड डे है वो जीरो से सिक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो से सिक्स, जीरो से सिक्स। अब ये ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ डेज है, उस डेज को अगर हम सेवन से डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि सेवन के बाद हर एक चीज रिपीट कर रहा है, हर एक डे रिपीट कर रहा है। तो अगर 100 डे है टोटल, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? 100 है। तो सेवन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जितना भी दिन का गैप होगा ना, उस गैप को 7 से डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करना है और उस गैप को 7 से डिवाइड करके हमें ऑड डे निकालना है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी, मान लेते हम यहां पे कि 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, मंडे है सपोज, तो मान लीजिए कि इसी में हम 31 जनवरी, जनवरी 31 की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, तो कौन सा डेट होगा? तो आप देखेंगे यहां से कि 1 जनवरी को छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने दिन होंगे? 30। 30 को हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से, 7 चक 28, ये हो जाएगा 2। ये जो रिमाइंडर आया दिस इज द ऑड डे, और रिमाइंडर 2 आया इसका मतलब है कि अगर ये मंडे है तो इसमें हमें 2 ऐड करना होगा, दैट इज ट्यूजडे फर्स्ट ऑड डे के लिए और वेंसडे सेकेंड ऑड डे के लिए। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, हाउ टू फाइंड द ऑड डेज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर इसी चीज को, और इसी पे बेस्ड जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर चौथा साल जो है लीप ईयर होता है। ये कहना मतलब 100% सही नहीं है, क्योंकि मैं जब बताऊंगा कि हर चौथा साल लीप ईयर जरूरी नहीं है कि होगा, जनरली इन जनरल हर चौथा साल लीप ईयर होता है, ठीक है, जो कि 4 से डिवाइड हो, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसलिए। चलिए ईयर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, और एक होता है लीप ईयर, लीप ईयर। अब चंद्रमा का मूवमेंट कैसे होता है, हर एक 4 साल में क्वार्टर क्वार्टर करके एक दिन ऐड हो जाता है, किसमें? लीप ईयर में। सो नॉन लीप ईयर जो है ये 365 दिन का होता है, ठीक है, नॉन लीप ईयर कितने दिन का होता है? 365 दिन का, और लीप ईयर
इसमें चंद्रमा का मूवमेंट होने का ये 366 दिन का हो जाता है, एक दिन चार साल में बढ़ जाता है। अगर आप ध्यान से ज्योग्राफी का अगर आपके पास नॉलेज है तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपके पास ये भी है कि क्यों लीप ईयर 360 डिग्री 366 दिन होता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए ज्योग्राफी का, सो अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 7 × 28 ये हो जाएगा, और 7 × 35 पांच बार में आ जाएगा, 7 × 35 सो 1, 7 × 2 = 14 सो 1, सो 14 वीक हो गया प्लस 1 डे, तो ये जो रिमाइंडर आया सो दिस इज ऑड डे, क्या आ गया, ऑड डे, ठीक है। और लीप ईयर की बात करें तो इसमें भी 14 कितना हो गया, 52 वीक हुआ यहाँ पे 52 वीक, और इसमें भी हमारे पास 52 वीक होगा और प्लस 2 डेज, और ये जो 2 डेज है ये ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, एक ऑड डेज, और सॉरी नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, एक, और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, दो। ये चीज तो समझ में आ गया। अब हम काउंट करते हैं 100 साल में, अगर हम 100 साल की बात करें, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो बेसिकली हमारा ये फंडा है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हर चौथा साल जो है हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है, हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। तो अगर हम 100 ईयर को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 में हमारे पास 24 तो ऐसे ईयर होंगे, 24 × 96, ठीक है, ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे, और 76 ऐसे होंगे जो कि नॉन लीप ईयर होंगे, नॉन लीप ईयर होंगे, ठीक है। देखिए थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाना है, ओके। सो 24 ईयर जो लीप ईयर होंगे, इसमें लीप ईयर में कितने हैं हमारे पास ऑड डेज, 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में हमारे पास हो जाता है कितना ऑड डेज, 24 × 2, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 48 ऑड डेज, और ये जो 48 ऑड डेज आया, समझ में आ रहा है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, सो आप इसको मिस मत करना, ठीक है। और 76 डेज में 76 × 1 नॉन लीप ईयर में कितना है हमारे पास, 1, 1, तो अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे सो 48 प्लस 76 ये हो जाएगा 8 + 6 = 24, 14, और ये 124 ऑड डेज आ जाएंगे, जो 100 साल में टोटल 124 ऑड डेज है, अगर हम इसको डिवाइड करें 7 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 7 और ये 7 × 7 = 49, डेट इज 7 × 1 = 5, 7 × 7 = 49 प्लस, सो दिस इज 17 वीक प्लस 5, कितना हो जाएगा, 5 डेज, 5 एक्स्ट्रा डेज होगा, 5 डेज। सो अब 100 साल में कितना हमारे पास ऑड डेज आ गया, 5 दिन। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट, यहां पे मैं इसको इरेज करता हूं, बार बार इरेज नहीं कर सकते हैं। सो 100 साल में हमारे पास आ गया, 100 ईयर की बात करें सो दिस इज 5 ऑड डेज, राइट। 200 ईयर में कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 ईयर में 5 × 10, 10 ऑड डेज, सो इसको लिख सकते हैं 7 + 3, तो 2 ईयर में 200 साल में 3 ऑड डेज, ध्यान से देखेंगे। अगले 300 साल में कितने हो जाएंगे, 5 + 3 = 8, 8 × 7 + 1, सो दिस इज 1 ऑड डेज, ठीक है। और अगले 400 साल में क्या हो जाएगा, 5 + 6 = 6, मतलब 0 ऑड डेज, मतलब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये संडे वाला आ जाएगा 0 ऑड डेज, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 400 साल है इसमें 0 ऑड डेज हो गया, सिमिलरली 500 साल में फिर से यही रिपीट करेगा, सो 400 साल 400 जो सेंचुरी होगा उसमें 0 ऑड डेज होगा, अगेन 800 सेंचुरी में कितना होगा, अगेन 0 ऑड डेज होगा,
1200 सेंचुरी में कितना होगा, अगेन जीरो और डेज होगा। 1600 सेंचुरी में कितना होगा, अगेन जीरो और डेज होगा। यहां पे हम लोग ऑड डेज कह रहे हैं, ठीक है। और अगेन 2000 सेंचुरी में जितना भी होगा वो भी जीरो और डेज होगा। तो ये तो सेंचुरी का आ गया। ओके, तो अगर कहे कि 2020 में कितना और डेज है, ठीक है, तो 2020 को कैसे कर सकते, 2000 प्लस 20, 2000 में जीरो और डेज, 20 साल का और डेज निकालना है। हमें ये देखना होगा 20 साल में कितने क्या है और लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर, वहां से डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो बाय कन्वेंशन हमारा जो संडे और डेज होता है मंडे का वन होता है, मतलब पहला जो डेट होगा फर्स्ट एडी जो होगा वो मंडे होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे और डेज का। और यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाए, सेंचुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो वो लीप ईयर, अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, वो सेंचुरी जो होगा, सेंचुरी का जो साल होगा वो लीप ईयर होगा। लेकिन अगर 400 से डिवाइड नहीं होता वो नॉन लीप ईयर होता। तो मान लीजिए 500 है या 600 है, ये 700, ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर। हालांकि अगर हम 500 को 4 से, 600 को 4 से या 700 को 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने बताया था कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वो सेंचुरी हो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो सेंचुरी के केस में आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर सेंचुरी 400 से डिवाइड होगा तभी वो सेंचुरी लीप ईयर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट है हमारा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर आप एक बार नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना सीख लिए तो फिर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो कैलेंडर से रिलेटेड है। हर एक पेपर में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एनडीए का पेपर हो, चाहे वो एमबीए का पेपर हो, या कोई भी रेलवे एसएससी किसी भी तरह का पेपर हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन कैलेंडर पे बेस्ड आता है। और इतना ही है हमारा कैलेंडर में, जो कि आपको कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये बूंद है, आपको इसे पीना ही पड़ेगा। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट आप अपने अगर रजिस्टर पे कॉपी पे लिखनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो देखते देखते आप इसे लिख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इससे पहले कि क्वेश्चन पे वीडियो बोर्ड पे रेज करते हैं।